Welcome to SPS online class. I hope you all are good. Today I will start chapter 6, understanding the fraction. Question number 4. Represent following fraction on a number line. हमें कुछ फ्रैक्शन गिवन है, उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जहाँ पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में जीरो होता है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, इसलिए हम नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पे शो नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 1/2, हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर टाइप का उलटी टाइप से एकदम स्ट्रेट ड्रॉ कर ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको मेक श्योर करना है कि जो नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सब इक्वल होनी चाहिए। ओके, नाउ हमें रिप्रेजेंट करना है 4 and 1/2। तो देखिए 4 and 1/2 इट मींस क्या है, 4 जो नंबर है वो हमारा कंप्लीट है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 चपाती हमारी कंप्लीट है, ठीक है, एंड एक चपाती है उसका कितना पोर्शन लिया है हमने, हाफ पोर्शन लिया है, तो 4 कंप्लीट है। कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा ये नंबर है वो कहाँ है, नंबर टाइप में मोबाइल 3। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सी द नंबर लाइन एंड फिल बलून्स विद फ्रैक्शन वैल्यू। हमें कुछ नंबर लाइन गिवन है, हमें उसको देखना है और बलून्स गिवन है उसको हमें फिल करना है। क्वेश्चन को फर्स्ट देखिए, जो बलून्स का जो एरो गिवन है हमें वो किन दो नंबर्स के बीच में है, 1 and 2। इट मीन्स 1 कंप्लीट है, मैं आपको बलून्स में फिल करना है। यहाँ कम स्पेस है इसलिए मैं यहाँ बाहर फिल कर रही हूँ। इट मीन्स 1 कंप्लीट है, 1+, ठीक है। फिर देखिए 1 and 2 पे के बीच में कौन सी लाइन पे हमें एरो गिवन है, 1, 2, 3 थर्ड लाइन में। फर्स्ट वाली जो 1 लाइन है इसको काउंट नहीं करना है। 1, 2 and 3 3 पर हमें एरो गिवन है और 1 and 2 के बीच में कितने इक्वल पार्ट है, 1 part, 2, 3, 4 and 5 5 में है वो हमारा न्यूमरेटर है। सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमें बलून कौन से नंबर के बीच में गिवन है, 8 and 9। इट मींस 8 कंप्लीट है प्लस आपको ये जो नंबर है वो बलून में फिल करना है। 8 कंप्लीट है, 9 एरो जो गिवन हमें कौन से नंबर पे गिवन है, देखिए कौन से लाइन पे गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 8 वाली लाइन है उसको काउंट नहीं करना है। फर्स्ट 1, 2 and 3 3 और देखिए 8 एंड 9 के बीच में कितने इक्वल पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3/7 8+3/7 Now question number 5, बलून हमें गिवन है 53 एंड 54 के बीच में। इट मींस 53 इज कंप्लीट प्लस 53 एंड 54 के बीच में एरो में कौन सी लाइन पे गिवन है, देखिए 53 वाली लाइन को काउंट नहीं करते हैं। 1 and 2 53 एंड 54 के बीच में कितने इक्वल पार्ट है, 1, 2 and 3 2/3 53+2/3 ये आपको इस बलून में फिल करना है। ओके नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क।